ओके व्यूवर्स, सलाम अलैकुम। टुडे हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन हांडी। तो ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं। चलें आए, मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने ले ली है कुटी हुई ज़ीरा, और ये है धनिया पाउडर कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, एंड 1/3 जो है वो टेबल स्पून हमने टर्मिक ले ली है, और नमक आप हसबे ज़ायका रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने कुटी मिर्चा ले ली है, और ये 4 टेबल स्पून मैंने दही ले ली है, और 4 टेबल स्पून मैंने हैवी क्रीम ले ली है। ये मैंने एक टमाटो जो है वो चॉप करके काट लिया है। 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी और 1 टेबल स्पून हमने लेमन वाटर ले लिया है, और एक बड़ा आनियन जो है वो हमने चॉप करके काट लिया है। जो 100 ग्राम्स हमने बोनलेस चिकन ले ली है, और ये 3 जो है वो मोटी वाली हरी मिर्चा ले ली है, और थोड़े से कोरिएंडर हर धनिया ले लिया है। ये कुकिंग ऑयल है, मैं 1 सालन का चम्मच जो है ऑलमोस्ट इसमें यूज़ करूँगी अपनी हांडी में, और थोड़ा पानी ले लिया है, फिर मैं आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ जी पानी व्यूअर्स, लेना आप है। देख सकते हैं ये हांडी में मैंने तेल डाल लिया है। मेरा तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। मैं इसमें ऑनियन डालती हूँ, और इसको हम इसको फ्राई कर लेंगे, ना ये रेड हो और ना ये, सिर्फ ये है जो है वो अपना पानी मार लें समझ लीजिए, और इसको हम इतना पका लेंगे, और फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है वो पक गई है, बट ये ब्राउन नहीं हुई है। तो बस हम इसमें टमाटर डाल देंगे अब इसी तरह, और अपनी चिकन डाल देंगे। और मैं आप लोगों को बताना ज़रा सा भूल गई थी, मगर क्योंकि ये थोड़ा सा लहसुन अदरक है, हमने ये भी डालना है इसमें 1 टेबल स्पून के करीब। और इसको हम जो है वो अच्छी तरीके से भुनीफाई कर लेंगे, और भुनीफाई करते सही नहीं हम लोग जो है वो अपने सारे जो मसाले मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें शामिल कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सब मसाले, टमाटर, और जो हमने योगर्ट इसमें था वो डाल दिया है, और ये सबको हम सिर्फ भून रहे हैं। और भून के हम इसका पानी को जो है वो बिल्कुल खुश कर लेंगे, और मैं फिर आपको बताऊंगी कि किस कंडीशन में हमने जो है वो इसमें क्रीम, हैवी क्रीम जो है वो शामिल करनी है। आप मेरे साथ में देखिए व्यूअर्स, ये ऑलमोस्ट 7 मिनट्स समझ लिए मैंने इसको भूना है। ये कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, सब टमाटर, दही, सब मसाले, ये सब एक जान हो गए हैं, और इसमें वाटर भी ऑलमोस्ट जो है वो सब खुश्क हो गया है। ये मैंने हाई टेम्परेचर पे रख के, हाई आंच पे रख के इसको भून लिया है हांडी में। ये क्योंकि मैं मिट्टी की हांडी में भी बना रही हूँ, तो इसका भी टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो जल्दी बन जाती है खाना इसमें। तो देख सकते हैं आप कैसे टमाटर टमाटर सब जो है वो गल चुके हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी है इसके ऊपर ला के हमने इसमें जो है वो क्रीम शामिल करनी है। बिल्कुल हमारा वाटर नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है, सिर्फ मसाला और ये है। तो अब मैं इसमें क्रीम शामिल करती हूँ, देखिए स्लोली मैं इसमें क्रीम शामिल करती हूँ। पहले आधी क्रीम मैंने डाली है, आप मिला लीजिए इसको पहले, फिर थोड़ी सी जो रह गई है थोड़ी क्रीम मेरे पास, तो मैं वो क्रीम शामिल करती हूँ इसको। ये क्रीम शामिल करके और फिर मैं आपको भून के बता। देखिए व्यूअर्स, मैं इसको क्रीम डाल के और सिर्फ भून रही हूँ, और ऑलमोस्ट मेरे 3 से 4 मिनट हुए हैं। तो ये सब देखिए, ये एक चीज़ सब एक जान हो गया, हर चीज़ जो है वो पूरा सालन जो है वो, तो आप देख सकते हैं इसकी ये कंडीशन आ गई है। इस टाइम पे जो है वो हम 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो थोड़ा गरम वाटर डालेंगे हम, ताकि जो है वो ये सिमर करने में इसको वो हो। देखें, और मैं मिट्टी के क्ले में बना रही हूँ, तो इसमें ऑलवेज जब आप थोड़ा सा कोई भी चीज़ को दम पे और रखते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा वाटर होना चाहिए ज़रूरी, ताकि उसकी जो वो पकने में ना उसको थोड़ा आसानी हो जाए। देख सकते हैं आप कि ये इस कंडीशन पे ला के अब मैं इसको दम पे रखूँगी। जो मेरे मसाले जो बाकी थे
लाइक गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर, वो मैं सब इसमें डालती हूँ आपके सामने यहाँ पर। और मेरी कसूरी मेथी मैंने यहाँ पे इसमें डालनी है थोड़ी सी, देख सकते हैं मैंने कसूरी मेथी डाली है थोड़ी, थोड़ा सा मैंने लेमन वाटर डाला है। और इसमें मैं अब जो हम लोगों ने मोटी मिर्चा और थोड़ा सा हरा धनिया है वो हम डाल देंगे, और हम इसको थोड़ा एक 5 मिनट के लिए या चार से पाँच मिनट के लिए हम इसको सिमर होने के लिए रख देंगे बिल्कुल लो पे। अगर आप लोग भी क्ले में बना रहे हैं, क्ले पॉट में, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि ये इसके टेम्परेचर में ही सिमर हो जाता है। तो देखिए मैं इसको सिमर कर रही हूँ इस ऐसे, और मैं आपको बताती हूँ कि कितनी देर में सिमर होकर इसकी जो फाइनल लुक है वो किस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये 5 मिनट के सिमर के बाद इसने सारा जो वाटर हमने डाला था सब वो सिमर हो गया है, हमारा तेल ऊपर आ गया है, और यम्मी सी हमारी जो है वो क्रीमी स्टाइल के साथ जो है वो हमारी चिकन हांडी रेडी है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिए और बताइए मुझे कि किस तरीके से इसका टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ मस्ट ट्राई दैट। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।